दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। सुबह के 4 बज रहे थे, अचानक से रागनी की आँख खुली तो उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे में खूब अंधेरा था। रागनी को लगा कि वो अपने कमरे में नहीं है। रागनी बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पलट के देखे कि वो किसके कमरे में है। रागनी को एहसास तो हो गया था कि वो आज किसी और के कमरे में थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो किसके कमरे में है। और जब उसे पता चला कि वो किसके कमरे में है, उसकी जान सूख गई। वो हड़बड़ा कर उठी और कमरे का बल्ब जलाया। जैसे ही उसने लाइट जलाई, उस आदमी को देखा। वो आदमी उसको देखकर हंस रहा था। उस आदमी को देखकर रागनी की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो आदमी उसे देखकर तालियां भी बजा रहा था। जब रागनी ने उस आदमी को देखा तो उसने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया। वो डर से कांपने लगी। उसके माथे पर से पानी की तरह पसीना टपक रहा था और रागनी जानती थी कि अब उसे बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, ये कहानी है रागनी की। रागनी जब जवान हुई तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो कितनी खूबसूरत है। और इस बात का एहसास उसे आईने में नहीं बल्कि बाजार में लोगों के उसके ऊपर पड़ती नज़रों ने उसे दिलाया था। रागनी एक बहुत बड़े इलाके में रहती थी और वो जहाँ रहती थी उसके घर के आमने सामने बाजार लगती थी। और जिस लड़के के भी रागनी पर नज़र पड़ती थी वो अपनी नज़र हटाना भूल जाता था। रागनी गोरी थी। उसके काले लंबे बाल और गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ थे। रागनी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और जब उसे उसकी खूबसूरती का एहसास हुआ तो उसके मन में गुरूर आ गया था। और अब रागनी जानबूझकर बाजार चली जाती थी और जब भी वो बाजार जाती, मोहल्ले के लड़के उसे दूर दूर तक देखते रहते थे, जैसे मानो लड़कों की नज़र उसके ऊपर से हटती ही नहीं थी। कई लड़के रागनी का पीछा भी कर चुके थे, लेकिन रागनी खूबसूरत होने के साथ साथ मुफ्त भी थी और वो बीच बाजार में कई लड़कों को बेइज्जत भी कर चुकी थी। बाजार में जब रागनी जाती थी तो वो लड़के अब चुप रहते थे जिन्हें वो बेइज्जत कर चुकी थी। असल में वो लड़के रागनी के लायक नहीं थे। रागनी हमेशा यही सोचती थी कि मैं जितनी खूबसूरत हूँ उसी तरह मेरा होने वाला पति भी खूबसूरत हो, इसलिए वो मोहल्ले के लड़कों को भाव नहीं देती थी। रागनी अपने घर का राशन और सामान हमेशा अपनी सहेली के साथ विजय के जनरल स्टोर पर लेने ही जाती थी। रागनी को विजय अच्छा लगता था। रागनी को अगर कुछ भी लेना रहता था तो वो विजय के जनरल स्टोर से ले आती थी। वो उसे मेकअप के सामान और ज्वेलरी फ्री में भी दे दिया करता था। रागनी और उसकी सहेली विजय से बहुत खुश होती थी। विजय उन दोनों से हंस हंस कर बातें किया करता था और वो दोनों भी उससे बहुत अच्छे से बातें करती थीं। एक दिन की बात है, रागनी अपनी सहेली के साथ विजय के जनरल स्टोर पर गई और उसको सामान लेना था। सामान लेने के बाद जब वो पैसे देने लगी तो विजय उसे हंस कर देखने लगा, पर ना जाने क्यों रागनी ने भी उसे हंस कर देख लिया और फिर विजय ने उससे सामान के पैसे लेने से इनकार कर दिया और उसने कहा, आज मेरी तरफ से ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं। और जब रागनी सामान लेकर घर आ रही थी तो उसके बैग में विजय ने एक पर्ची डाल दी। और जब रागनी ने घर आकर बैग में से उस पर्ची को निकाला तो उसमें लिखा था, रागनी तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, मैं तुम्हें पहली ही नज़र में दिल दे बैठा था। और रागनी, सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और उस पर्ची के नीचे विजय ने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। मोबाइल नंबर देखकर पहले तो रागनी घबरा गई, मगर रागनी का दिल भी उसके लिए बेचैन हो रहा था और वो रात तक अपने आप को रोक नहीं सकी और उसने अपने मोबाइल से उस नंबर पर कॉल कर दिया। रागनी ने सोचा कि अगर वो कॉल करती है और वो उससे बात करेगा तो वो भी उससे दिल से बात कर लेगी। रागनी के मिस कॉल करने के 2 मिनट बाद ही उधर से कॉल आने लगी। रागनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रागनी ने फ़ोन उठाया और कुछ देर बोला नहीं। कुछ देर बाद उधर से आवाज़ आई। उधर से बोला गया, बोलो कौन है? मैं जान चुका हूँ तुम रागनी हो। और इस तरह दोनों ने आपस में बात करना शुरू किया और इत्तेफाक से ही विजय का घर रागनी के घर के पीछे वाली गली में ही था और रागनी की छत एक दूसरे के छत से मिली हुई थी। विजय ने रागनी को कई बार छत पर भी देखा था। अब दोनों रोज रात को बातें करते और विजय के कहने पर रागनी छत पर जाती और वो दोनों एक दूसरे को देख भी लेते थे। अब कभी कभार रागनी उससे मिलने के लिए शॉप पर भी चली जाती थी। इसी बहाने उन दोनों को एक दूसरे से मुलाकात भी हो जाती थी। पहले तो वो दोनों दूर से ही एक दूसरे को देखते थे, हंसते थे, बातें करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन दोनों की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। और दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार को छुपाया नहीं जा सकता। और रागनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन विजय ने रागनी को
मोहल्ले के खाली पड़े मकान में बुलाया। रागनी ने बहुत मना किया, पर उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे साथ मैं कुछ गलत करूंगा क्या? तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है रागनी? वो नाराज़ होने लगा। उसकी नाराज़गी को रागनी ने बर्दाश्त नहीं किया और वो मजबूरन उस खाली पड़े मकान में चली गई। वो मकान सालों से खाली पड़ा हुआ था। उस मकान में कोई आता जाता नहीं था। दीवार टूटी फूटी थी और जैसे ही उस मकान में रागनी पहुंची, तो विजय की आंखें उसे देखकर चमकने लगी। जैसे ही रागनी उसके करीब पहुंची, वो फूले नहीं समा रहा था। विजय ने रागनी का हाथ पकड़ा तो रागनी को अंदर से कुछ अजीब सा होने लगा। आज से पहले वे दोनों सिर्फ बातें किया करते थे, वो दोनों सिर्फ पहली बार आज मिल रहे थे। विजय ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन इतने ही में पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई। क्या हो रहा है ये सब रागनी? आवाज़ किसी और की नहीं, रागनी के भाई की थी। रागनी अपने भाई की आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। रागनी के भाई ने उसके बालों को पकड़कर दो तीन थप्पड़ मारे और रागनी का भाई विजय की तरफ लपका ही था, तब रागनी ने विजय को वहां से भागने के लिए कह दिया और विजय वहां से तुरंत भाग गया। और इस बात को सुनकर रागनी के भाई ने उसे और मारा और वहीं पर इतना मारा कि रागनी की बेहोश हो गई और वो उसे घसीटता हुआ घर लेकर आ गया। रागनी के भाई ने उसे घर के आंगन में ढकेला और उससे पूछने लगा, बोल किसके साथ मुँह काला कर रही थी? कुछ देर पहले तो रागनी की जान सूख गई थी, पर अब वो संभल गई थी। रागनी की माँ बाप ने भी उससे पूछा कि बोल कौन है वो लड़का। रागनी अपने बात पर डट गई, बोली हाँ मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और उस लड़के का नाम विजय है। विजय भी मुझसे प्यार करता है और अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो या तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर रागनी के भाई को और गुस्सा आ गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे छुड़ाकर उसको कमरे में बंद कर दिया। रागनी की माँ ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा शोर मचाने से हमारी ही बदनामी होगी और इसने अगर कुछ गलत कदम उठा लिया तो हम कहीं मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। रागनी के पापा चुप थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इज्जत से गुजारी थी और वो बुढ़ापे को बेइज्जती से तार तार नहीं करना चाहते थे। रागनी एक शरीफ खानदान से थी, इसलिए उसके घर वाले डर गए और इस नतीजे पर पहुँचे कि उन दोनों की शादी करा दी जाए। और दूसरे ही दिन रागनी के पापा ने विजय के घर का एड्रेस लिया और उसके पापा से जाकर बात की। और जब विजय के पापा को सारी बातें पता चली तो वो भी परेशान हो गए और विजय के पापा भी इस शादी के लिए राज़ी हो गए। विजय ने अपने पापा से पहले ही कह दिया था कि अगर मेरी शादी रागनी से नहीं हुई तो हम दोनों घर से भागकर शादी कर लेंगे। अब बात दोनों घर की इज्जत की थी। विजय के बात सुनते ही विजय के पापा भी राज़ी हो गए, लेकिन उनका कहना था कि लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो जितनी सादगी से शादी हो जाए उतना ही बेहतर होगा। विजय के पापा नहीं चाहते थे कि शादी ज़्यादा धूम से हो, क्योंकि अभी विजय की उम्र सिर्फ 21 साल थी जबकि रागनी की उम्र 17 साल थी और रागनी के खानदान में जब तक लड़की बालिग ना हो जाए उसकी शादी नहीं की जाती थी। अब दोनों खानदान में बात पक्की हो गई और 3 दिनों बाद उन दोनों की मंदिर में सादे तरीके से शादी कर दी गई। रागनी के पिताजी और उसका बड़ा भाई की शादी से खुश नहीं थे, लेकिन रागनी और विजय दिल ही दिल में बहुत खुश थे कि चलो जैसे तैसे हमारी शादी तो हो गई। अब रागनी विजय के घर आ गई और विजय ने शादी की पहली रात ही उसे बता दिया कि अब तुम्हें इस घर में बहुत ही संभल कर रहना होगा। विजय की माँ 5 साल पहले ही गुजर चुकी थी। विजय ने रागनी से बताया कि मेरे पापा बहुत सख्त किस्म के आदमी हैं और हाँ, विजय के घर में उसके मामा का लड़का भी रहता है जो थोड़ा अजीब किस्म का इंसान है। विजय ने बताया कि उसके मामा के लड़के का नाम छोटू है। रागनी ने विजय से कहा कि वो हमारे साथ क्यों रहेगा, तब उसने बताया कि जब वो पैदा हुआ था तभी उसकी माँ चल बसी और मामा जी इतना शराब पीते थे कि वो उसकी परवरिश नहीं कर सकते थे, जिस वजह से विजय की माँ ने ही छोटू को गोद ले लिया था। विजय ने बताया, मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही पर छोटू इस घर में हमारे साथ ही रहता है। तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारा छोटा देवर है। अब शादी को ऐसे ही कई दिन बीत गए। विजय रागनी से बहुत प्यार करता था, रागनी को किसी भी चीज़ की वो कमी नहीं होने देता था। रागनी को लगता था जैसे वो हवा में उड़ रही हो, जबकि वो अपने ससुर जी को एक आँख नहीं भाती थी। अभी शादी को 3 ही महीने हुए थे कि विजय के पापा का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। विजय के पापा रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर थे और घर का सारा खर्चा वही चलाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद घर की हालत और बिगड़ने लगी। शादी के 4 महीने बाद एक राज और खुला कि जो जनरल स्टोर रागनी विजय का समझती थी वो उसका नहीं था, बल्कि वो तो वहाँ नौकरी करता था।
और ससुर की मौत के बाद घर की हालत और बिगड़ने लगी और फिर विजय काम के सिलसिले के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला कर लेता है। इस बात पर रागिनी बहुत उदास हुई, पर विजय उसको यकीन दिलाता है कि बस एक दो साल की बात है और जब वो थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेगा तो विजय रागिनी को भी उसी शहर में बुला लेगा और रागिनी उसके पास चली जाएगी। और मजबूरन रागिनी को विजय को दूसरे शहर भेजना पड़ा। और एक दिन की बात है, रागिनी अपने कमरे में सोई हुई थी, लेकिन जब उसकी आँखें खुली तो उसने देखा कि वो छोटू के कमरे में थी। छोटू की उम्र 18 साल थी। वैसे तो वो दिखने में बिल्कुल ठीक ही ठाक लगता था, बात भी सही करता था, लेकिन कभी कभी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया करता था जिसकी वजह से सब उसे थोड़ा दिमाग का हल्का समझते थे। रागिनी अपने आप को छोटू के कमरे में पाकर बहुत परेशान हो जाती है। रागिनी सोचती है ना जाने छोटू उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। रागिनी भाभी कितनी बेशरम है। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। और जब सुबह रागिनी डरते डरते कमरे से बाहर गई तो छोटू बाहर आंगन में बैठा हुआ था। रागिनी ने छोटू से कहा, माफ़ कीजिएगा, अनजाने में मैं आपके कमरे में पता नहीं कहाँ से चली गई, शायद मुझे नींद में चलने की आदत है, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। छोटू उसे देखकर हंसने लगा और बोला, कोई बात नहीं भाभी, ऐसा कभी कभी हो जाता है। छोटू ने यह भी बताया कि भाभी जब आप कमरे में आई तब मैं उस कमरे से तुरंत निकल गया। ये बात सुनकर रागिनी हैरान हो गई और उसे सच में नहीं मालूम था कि वो उस कमरे में कैसे पहुंची। और अब इतना सब कुछ होने के बाद रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और वो अपने पति विजय को याद करने लगती है। उसे विजय की बहुत याद आ रही थी। रागिनी कमरे में बैठकर दिन रात उसे ही याद करती थी, उस लम्हों को याद करती थी जो उसने उसके साथ गुजारे थे। पर आज रागिनी का दिल बहुत ज़्यादा उदास था, वो अपने पति को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। रागिनी अपनी पति विजय से फ़ोन पर बात तो करती थी पर उसका दिल नहीं भरता था। और फिर एक दिन वैसा ही हुआ, रागिनी उस रात अपने कमरे में सोई थी, लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि आज फिर वो छोटू के कमरे में थी। छोटू का कमरा रागिनी के कमरे से एकदम बगल में ही था। उस घर में टोटल 3 कमरे थे, 2 कमरे नीचे और 1 कमरे ऊपर वाले फ्लोर में, पर ऊपर वाला फ्लोर हमेशा खाली पड़ा रहता था। और जब आज रागिनी की आँख खुली तो उसने देखा कि आज भी वो छोटू के कमरे में ही थी। और ऐसे ही 2-3 सप्ताह बीत गया। इन बीते हुए दिनों में रागिनी ने कई बार गौर किया कि वो रात को सोती तो अपने कमरे में, पर वो जब सुबह उठती थी तो देखती थी कि वो छोटू के कमरे में होती थी। रागिनी बड़ी परेशान रहने लगी और अब छोटू का रवैया भी रागिनी के प्रति बदल गया था। छोटू अब उससे बड़े अच्छे से पेश आ रहा था। आप ये कह सकते हैं कि छोटू अब रागिनी भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। छोटू जब भी बाजार जाता तो रागिनी के लिए फूल और कुछ खाने का सामान लेकर आता और उससे कहता, ये लो भाभी, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। रागिनी ने भी उन फूलों को अपने कमरे में सजाया और विजय से फ़ोन करके ये सारी बात बताई। जब विजय छोटू का ये बदला हुआ रवैया सुनता है तब वो बहुत खुश होता है कि चलो, रागिनी का ख्याल रखने वाला कोई तो है घर पे। और शायद छोटू के दिल में भी ये बात आ गई थी कि रागिनी भाभी अकेली हैं, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसलिए वो इसका बहुत ख्याल रखता था। और आखिर रागिनी रिश्ते में छोटू की भाभी भी तो लगती थी। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब छोटू ने रागिनी से कहा कि चलो फिल्म देखने चलते हैं। रागिनी हैरान हो गई कि भला कौन सा देवर अपनी भाभी के साथ अकेले फिल्म देखने जाता है। और रागिनी ने छोटू से कहा, छोटू मुझे पिक्चर देखने का शौक नहीं है। बस इतनी सी बातें रागिनी के मुंह से निकली ही थी कि छोटू का चेहरा बदल गया और वो रागिनी को अजीब अजीब बातें बोलने लगा। पर रागिनी की ऐसी बातें सुनने की आदत पड़ चुकी थी। और अब ऐसे ही वक्त बीतता गया और उसके साथ अक्सर ऐसा होता, रागिनी रात को सोती तो अपने कमरे में थी पर सुबह छोटू के कमरे में होती थी। रागिनी जब सुबह उठकर कमरे से बाहर आती तो छोटू उसे देखकर हंसता और तालियां भी बजाता था। एक दिन की बात है, रागिनी की अचानक से तबीयत खराब होने लगी और उसे चक्कर और उल्टी आने लगी और वो वहीं बेहोश हो गई। और जब रागिनी की आँख खुली तो उसने देखा कि मोहल्ले की एक लड़की उसके बगल में खड़ी हुई है और ये वही लड़की थी जो उसकी बचपन की सहेली थी। और रागिनी की सहेली ने उससे कहा कि लगता है तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। रागिनी ये बात सुनकर हैरान हो गई क्योंकि विजय को गए हुए अभी 7 महीने ही हुए थे और अगर ऐसा ही होना था तो अब तक रागिनी 7 महीने पेट से होती, लेकिन 7 महीनों के बाद ऐसा होना नामुमकिन था। धीरे धीरे रात हो गई और रात को परेशानी की हालत में रागिनी की आँख लग गई। और रागिनी की जब रात को आँख खुली तो 1 बज रहे थे। रागिनी को अजीब सी घबराहट होने लगी। अब रागिनी ने अपनी आँखें खोली तो देखा वो कमरे में मौजूद नहीं थी। रागिनी ने अपने अगल बगल देखा तो बगल में छोटू था। रागिनी ने अपने आप से सवाल किया कि मैं इसके कमरे में क्या कर रही हूँ। और जब छोटू उठा तो उसने बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो,
तुम तो पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो। ये बात सुनकर रागनी के होश उड़ गए। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। रागनी चुपचाप एक पुतले की तरह खड़ी थी। छोटू बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो भाभी, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? छोटू की ये बात सुनकर रागनी और हैरान हो गई और उसने अपने आप से सवाल किया कि मैं तो कभी छोटू के कमरे में आई ही नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से भागी और आंगन में जाकर गिर पड़ी और वहीं पर बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। इस बार रागनी हैरान हो गई क्योंकि वहाँ पर विजय भी मौजूद था। रागनी ने सोचा शायद विजय उसको सरप्राइज़ देने के लिए आया होगा। विजय को गए हुए 1 साल हो चुके थे। विजय को अपने पास देख कर रागनी फूट फूट कर रोने लगी कि तभी वहाँ पर लेडी डॉक्टर अंदर आई और विजय को देख कर हंसी और बोली, बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने भी बताया कि ये बच्चा 2 महीने का है। ये बात सुनकर विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन था क्योंकि विजय 1 साल से शहर में ही था। वहीं बगल में रागनी की सहेली भी खड़ी हुई थी और इस बात को सुनकर वो अपनी सहेली पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि रागनी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। विजय 1 साल बाद आया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो रागनी को अस्पताल में छोड़कर घर चला गया। और जब रागनी की सहेली रागनी को अस्पताल से घर लेकर पहुंची तो वहां पर देखा कि मोहल्ले के तमाम लोग घर पर इकट्ठा हो चुके थे। सभी लोग रागनी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। और आप तो जानते ही हैं ना, जब छोटे गांव में ऐसा काम होता है तब वहां के सारे लोग सिर्फ उसी बात पर चर्चा करने लगते हैं। और ऐसा ही रागनी के साथ भी हो रहा था। सब लोग रागनी को ही गलत मान रहे थे। पर दोस्तों, कहते हैं ना, अगर आप सही हो तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। और रागनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रागनी के घर के सामने एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि गांव में अगर कोई घटना हो जाती थी तो वो ही फैसला सुनाती थी। और आज वो औरत रागनी के घर में भी मौजूद थी। रागनी के ऊपर सभी लोग उंगली उठा रहे थे और रागनी भी समझ चुकी थी कि शायद गलती उसकी ही है। और इससे पहले विजय उसको धक्के मार के घर से निकालता, वह खुद अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी उस बूढ़ी औरत ने उसे रोक लिया और कहा, इधर आओ बेटा। और उन्होंने विजय से बताया कि रागनी की कोई गलती नहीं है। रागनी को तो नींद में चलने की आदत है और ये जो घर में तुम लोगों ने एक हैवान को पाल रखा है, ये सारी करतूत इसी की है। वो हैवान कोई और नहीं, वो तो छोटू था जो कि विजय के मामा का लड़का था। और उस बूढ़ी औरत का रागनी के घर के सामने ही घर था, इसलिए उसने कई बार गौर किया था कि रागनी को नींद में चलने की आदत है। और उस बूढ़ी औरत का घर सामने होने की वजह से उसने कई बार उसके ऊपर गौर भी किया था। और आज वो औरत पूरे समाज के सामने रागनी का ढाल बनकर खड़ी थी। उन्होंने बताया, ये जो तुम लोगों ने घर में एक छोटू को पाल रखा है, ये बहुत ही हैवान किस्म का आदमी है। जब तुम्हारी पत्नी नींद में चलती थी तब ये उसकी बीमारी का गलत फ़ायदा उठाता था और इसी ने तुम्हारी बीवी के साथ गलत किया है। और क्यों ना करता, ये तुम्हारा अपना थोड़ा ही है, बल्कि इसने भी पहले गाँव की कई लड़कियों को परेशान किया है, पर वो लड़कियाँ इसके जाल में नहीं फंसी। और आज ये सीधी साधी रागनी अपनी एक छोटी सी बीमारी के कारण इस जाल में फंस गई। उस बूढ़ी औरत ये भी कहा कि मैं मानती हूँ कि रागनी को नींद में चलने की आदत है, पर इस छोटू को तो नहीं है। इस छोटू ने तो पूरे होश में इस काम को अंजाम दिया है। ये बात सुनते ही सब मोहल्ले वालों की नज़रें छोटू पर टिकी हुई थीं। छोटू का मुंह गुस्से से और शर्म से लाल पीला होने लगा। वो सर झुकाए वहीं पर खड़ा था, लेकिन उसकी हकीकत बुरी तरह सबके सामने आ चुकी थी और उस बूढ़ी औरत पर सब कोई यकीन करता था। और जब इतनी बात हो गई तो छोटू भी चिल्लाकर बोलने लगा, हाँ, मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ और वो खुद नींद में चलकर मेरे पास आती थी, मैं नहीं उसके पास जाता था। छोटू ने अपनी बात बोली ही थी कि विजय को गुस्सा आ गया और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मोहल्ले के 2-4 नौजवानों ने उसे रोक लिया। और अगर मोहल्ले के वो लड़के विजय को ना पकड़ते तो पता नहीं गुस्से में आज वो छोटू के साथ क्या कर जाता। विजय ने अपने गुस्से को काबू किया और वहीं किनारे बैठ गया। और कुछ देर बाद वहां पुलिस आई और छोटू को गिरफ्तार कर लिया। और जैसे तैसे 9 महीने बीत गए और 9 महीनों के बाद रागनी को जो लड़का हुआ वो मरा पैदा हुआ। शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता था कि रागनी इस दुनिया के तानों का निशाना बने। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि किसी गैर पर हमको हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो इस कहानी को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली कहानियां आप सबसे पहले देख सकें।